सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. और नंगा पुंगा राहुल मोटे टी शर्ट नीचे कर ले. यो तो यहाँ पे सुबह सुबह लग चुके हैं प्योर पुत्र शैतानिया. एक जैसे शैतान है दोनों. बहुत शैतान हो चुका. तो शिवाय ने सुबह उठ के अपना नाश्ता कर लिया. इसको मैंने सबसे पहले सुबह नाश्ता करा दिया. नाश्ते में मैं इसको दलिया देती हूँ. और अब इसकी मैम थोड़ी देर में आने वाली है. और आज हम पीछे वाले कमरे में सोए थे गाइस. तो कैसे यहाँ पे नींद अच्छी आ जाती है ना. ये रूम ना काफी हद तक साउंड प्रूफ है ना राहुल. इधर पीछे कोई आवाज नहीं आती डॉगी के भौंकने की या कुछ भी या गली की या कुछ भी. तो काफी साउंड प्रूफ है ये. पता नहीं क्या है दोनों प्यो पुत्र. तो गाइस बस आज व्रत भी व्रती है. तो फटाफट से नहा धो के कर लेते हैं पूजा. और माता रानी के इतने प्यारे और अच्छे दिन चल रहे हैं. तो भगवान करे आपकी भी जो भी इच्छाएं हैं सब पूरी हो. तो करते हैं इस ब्लॉग की आज स्टार्टिंग. यहाँ सुबह सुबह अगर मैं पैक की फॉर्मेशन दिखाऊंगा ना आपको, ये देखो ये सारे पीछे के पीछे, ये देखो है, ये देखो एक बारी में कितने सारे सारे के सारे एक दूसरे से मिलनसार हैं. चल ले बब्बे अनोखा, वो देखो सारे एक मिलके ना. चलो अंदर चलो. चलो चलो चलो. और ये सारे भी इनके पीछे पीछे, ये देखो अब ये चारों भी इनके पीछे. ओहो बब्जी तो देख लो क्या कर रहा है, कहाँ से धारा है बिहार है. देख रहे हो गेट के एंट्रेंस पे है, पता नहीं कोई भी स्पॉट मिल जाता है ना वहां लग जाता है. अजीब ही बंदा है यार ये, कुछ भी करता है. आ जा पार्क में कर ले. क्या धारा है. आ जा भाई आ जा. चल चल अंदर. बस आप अपने सूंघ ले उसे, साले तेरा ही है. ये लो सारे के सारे बाहर. जोई भी सूंघने गई है, चार्ली भी सूंघ रहा है, ये दोनों बच्चे भी सूंघ रहे हैं. और पता नहीं बब्जी डॉन का है सुसु ना हो गया वो है. देखो सुसु सूंघने कौन जाता है यार. जोई चल ले अंदर, थप्पड़ पड़ेगा तेरे साले. हद हो गई, बब्जी का सुसु मिल रहा है तुम्हें सूंघने के लिए. चलो जल्दी अंदर, जल्दी भाग जाओ, जल्दी भागो अंदर. क्लासिक मॉर्निंग विद क्लासिक पैक एंड चार्ली वॉकिंग अमंग द बीस. यार तू तो मेरे पीछे ही पड़ी रही हो. आ जाए यार कुछ नई ताजी कर ले. मेरे पैरों के सामने आई ना फिर बताऊंगा तुझे है. वाओ 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 वाओ. चलो लेट्स गो. चलो चलो. ओ देखो जूमीज का एक एग्जाम्पल. स्पेस एग्जाम्पल ऑफ जूमीज. वो किसको पकड़ रही है ये. ज़ोई वाह. फिर मेरा पैर से चप्पल कर. गुड गोल गुड गोल गोल गोल. बस ओला क्या हाल है तेरे. गुड मॉर्निंग. चलो अबे गिरी हरकतें करती है तो गिरेगी ही. ये गई अब इसको पकड़े. ओ ये देखो ये शुरू हो गया. देखे वो देखो वो ना खड़े होके उसको वैसे देखती है कि अब खेले. देखा एकदम ना बीच में इसका ना ये सीन शुरू हो जाता है खेलने का. हाँ जा पकड़ ले उसको, खेल ले, छोड़ दे मम्मी पापा को थोड़ी देर. अरे जोई जोई क्या कर रही है तू. तो चलो आज कल हमने इनको खिलाया नहीं था, कल इनको बॉल की इम्पोर्टेंस बताई थी तो आज खिला लेते हैं थोड़ा सा है ना. फ्लोटो आज खेलने थोड़ा सा. चलो
तो पापा बॉल निकालते हैं। वाओ वाओ क्या बॉल है, वाओ वाओ बहुत बढ़िया, हाँ वाओ क्या कर रही हो, वाओ 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 ओए ओए वाओ वाओ है वाओ वाओ ओए ओए चलो आओ आओ पहली फेचिंग करते हैं, चलो इधर जा तू। यो 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 कौन जीता कौन हारा, हमारी क्लोई है जो जीत गई है। मुझे लग रहा है जोई ना, जोई तो हारने लग गई अब, मेरे क्यों मार रही है, जब तक मुझे बॉल हाथ में नहीं मिलेगी मैं नहीं खेलूंगा, बॉल इधर, हाँ ठीक है, नहीं हाथ में, हाथ में, हाथ में बॉल, हाँ गुड। ये लो जी भाग गए सारे के सारे धूल उड़ाते हुए, कौन जीता, ओहो जोई साथ में क्लोडो, आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली दो तीन बार फेचिंग करा दी है और ये सारे ना अब जाके ना रिलैक्स कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी देर आज तुम पार्क में भी बैठो, ऐसा नहीं कि फेचिंग हुई और एकदम सीधा घर चलो। ऑलन ने पोजीशन ले लिया बॉल का, पैरों के बीच में बॉल रखी हुई है, आसपास चक्कर जोई मार रही है और उसने पूरी पूरी कंट्रोल ले लिया और यहाँ फाइनली थकार के ही आ गए और देख लो अपनी अपनी जगह पकड़ ली है, यहाँ जोई ने पकड़ लिया अपनी पीछे की जगह और जहाँ थोड़ा थोड़ा गीला है ना वहाँ बब्जी लेडी ऑली और साथ में उनकी बेटी क्लोडो लेट गई है और ये सफाई यहाँ पे दो बार हो चुकी है ऑलरेडी, ये तीसरी बार हो रही है, हम पानी फिर भी देख रहे हो वाइपर से निकाल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आते हैं इनका मुँह हाथ धुलाते हैं हम, ठीक है। ये देखो ऑलिया भी मिट्टी से खेल के आई थी तो मुँह देखो कितना साफ हो गया, तो इनका हर बार का है कि इनका मुँह धुलाते हैं, स्पेशली इसका, अब देख रहे हो चमक रही है ये देखो इसका है बब्बे का, हाँ बब्बे शक्ल दिखा अपनी, तेरी मुंह की बात हो रही है, हाँ ये देखो साफ सुथरे बैठे हुए हैं ना, तो इनका मुंह हाथ धो दिया मैंने, मतलब रगड़ दिया जैसे मैं रगड़ता हूँ, ये चारों के चारों यहाँ पे रेस्ट करेंगे और इनको खाना मिलेगा अभी दो घंटे बाद कम से कम, और आज इनके खाने में प्री एंड प्रोबायोटिक भी जाना है, तो आज सुबह मिल रहे हैं इनको 1.5 किलो दही साथ में पनीर और साथ में चावल, बस बेसिक, अभी नवरात्रि हैं कोई पंगा नहीं, ना कोई मल्टीविटामिंस जाएंगे साथ में ना कोई कैल्शियम जाएगा, सारे के सारे उस्ताद बन के बैठे हुए लाइन से, फॉर्मेशन देखो मैं आपको फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ये देखो हेलो, बस बेटा इसको इतना रहने दे जल्दी खींच ले जो भी खींचना है, हेलो क्या हाल है तुम सबका, लाइन से ही लेटते हो तुम सारे हैं। सो गाइज आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, डे 3 ऑफ नवरात्रि और यहाँ पे इनका सुबह का नाश्ता आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, आज हमने इनके लिए खरीदा है ताज़ा ताज़ा पनीर और उसको काटा है छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर और चावल उबले हुए और उसके साथ हम मिला रहे हैं दही और आधी सादा दही तो मेरे ऊपर भी आ गई है और नीचे भी जा रही है क्योंकि दही बहुत सस्ता हो गया तो राहुल खुले में दही उड़ा रहा है वो भी बाजार का, तो यहाँ पे राहुल ने बहुत सारी दही चावल और पनीर मिला दिया और एक पैकेट दही का और आया हुआ है, तो आज अब अंडे नहीं है तो कुछ तो खिलाना ही है, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, क्लोडो कर रही है ब्लड वाली पॉटी तो इसलिए क्लोडो को हम लोग प्री एंड प्रोबायोटिक, तो क्लोडो को हम प्री एंड प्रोबायोटिक देना भी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि उसकी तबीयत हो रही है खराब और उसको आ रही है ब्लड वाली लूज मोशंस और ये बेसिकली होता है क्योंकि जब आपके बच्चे का गट हेल्थ ठीक ना हो और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक ही पाउडर है प्री एंड प्रोबायोटिक पाउडर जो कि हमने K9 स्टोर के थ्रू आपके लिए लॉन्च भी किया है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक रीजन से ही देना है कि गट हेल्थ खराब है इम्यूनिटी नहीं है, अगर आपके डॉग में कोई भी इश्यू आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुजली कर रहा है या अपना पॉ को बहुत ज्यादा लिक कर रहा है या वेट नहीं बढ़ रहा डिक्रीज हो रहा है, तो इन सब चीजों के लिए एक ही सोल्यूशन है
प्री एंड प्रोबायोटिक। तो हम ह्यूमन में भी हम लोग एंटेरो जर्मिना करके एक ट्यूब होती है पीते हैं, या फिर याकुल्ट पीते हैं। ऐसे ही डॉग्स, कैट्स और पेट्स के लिए, वो लोग याकुल्ट तो नहीं पी सकते, तो उसके लिए उनका प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक एंजाइम जो होता है वो होता है प्री एंड प्रोबायोटिक पाउडर, जिसको आप इजीली खाने के साथ भी दे सकते हो, और हम अब वही देने वाले हैं इनको। तो ये प्रोडक्ट अगर आपने परचेज करना है तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर छोड़ रही हूँ, आप वो हमसे डायरेक्टली ले सकते हो। हम बहुत जल्दी इसको अमेजोन पे और अपनी वेबसाइट पे भी लिस्ट करने वाले हैं, बट फिलहाल ये बहुत ही विनिंग प्रोडक्ट है आपके डॉग के लिए, और इससे आपके डॉग के फर में, कोट में, स्किन में, गट हेल्थ में, इम्यूनिटी में, वेट में, सब में डिफरेंस नजर आएगा आपको। आपका बेबी हैप्पी रहेगा, चिड़चिड़ापन, लिकिंग, जबरदस्ती भौंकना ये सब नहीं होगा। तो फिलहाल खाने में ही हम इनको मिक्स करके देने हैं प्री एंड प्रोबायोटिक। खाना यहाँ पे हो चुका है तैयार, बच्चे बहुत खुश बैठे हैं, देख रहे हैं कि क्या मिलने वाला है आज, क्योंकि नवरात्रों की वजह से इतने दिनों से इनका अंडा और चिकन बंद है। तो हमने आज पैसे खर्च के बहुत सारा पनीर, ऑलमोस्ट 250 ग्राम पनीर एक ही बारी में इनकी पूरी डाइट में मिक्स कर दिया, जो कि अब इन चार बच्चों में इक्वली डिवाइड होने वाला है। 750 ग्राम पनीर, 250 ग्राम पनीर नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, 250 ग्राम तो तू ही खा जाती है। अच्छा ठीक है, तो 750 होगा, मेरे से हो गई होगी मिस्टेक, ठीक है माफ कर दो। अरे कोई अगर तेरे से डाइट लिखवाता है, तू चार कुत्तों को खाना दे रही है, 250 ग्राम पनीर डालेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गाइज इतनी बेरुखी का रीजन बता दूं, आज सुबह सुबह मेरी और राहुल की लड़ाई हो गई। हम लोग एक रील बना रहे थे, और जब मैं रील बनाऊं और मैं फंबल करूं तो ये मुझे इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है, तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। अब ये रील बना रहा था और मेरे हाथ में कैमरा था, और इन्होंने भी गलतियां तो करी, हर ह्यूमन से हो जाती है, तो मैंने बोल दिया, क्या बोल रहे हो ये मैंने एक भी गाली नहीं दी। क्या बोल रहे हो ये, ऐसे बात करती है तू? मैंने कुछ भी नहीं बोला है। अबे भाई तेरे को कुछ करना नहीं आता, ओए 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 ओए, तुम भी यही करते हो मेरी बारे में, तुम तो कैमरा छोड़ के भाग जाते हो कि मैं नहीं बना रहा। अब भी कैमरा छोड़ के भाग। तो गाइस ये होती है मेल ईगो, यही फर्क होता है पति और पत्नी में, यही फर्क होता है। यहाँ पे बच्चे भूखे बैठे हैं, बट इस आदमी को सिर्फ लड़ना है। तो बच्चे कह रहे हैं अपनी लड़ाइयाँ प्लीज बाद में लड़ लेना, हमें खाना दे दो, हमें भूख लग रही है, 12 बजने वाले हैं। तो वो देखेगा ही ना उसको भूख लगी है। पनीर अच्छे तरीके से मिला दूं? पनीर को क्रम्बल मत करो, इस फ्रेग्रेंस कैसे आएगी? चलो खा लो। इस घर के बर्तन फिर मिक्स होने शुरू हो गए डॉग्स का, नीचे जाके मुझे संगीता को अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि ये काम नहीं चलेगा। और भैया को तो बिल्कुल अकल है नहीं, वो सारे बर्तन इस्तेमाल कर लेते किचन की। उस दिन करछी भी ना वो वाली यूज कर ली, जो जिससे मैं घर में ना अंडा वंडा पलटती हूँ, ब्राउन वाली नहीं होती जो नॉनस्टिक की तवे पे होती है। तो अगले दिन मैंने उसी करछी से अंडा बना के राहुल को दे दिया। तो फिलहाल आज सैटरडे का दिन है, मैं आपसे कुछ और ही बात कर रही थी, फिर राहुल की कमियों पे आ गई मैं। तो आज मेरी मम्मी की गिट्टी है, तो उनको जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो बस जे को लेने मैं जा रही हूँ। टाटा नेक्सॉन हमारी खराब हो गई है गाइस, हाँ 6 महीने पुरानी गाड़ी खराब हो गई। उसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो हिल चुका है, उसमें ना तो न्यूट्रल से रिवर्स पे जा रहा है ना ड्राइव पे आ रहा है। तो इसीलिए कल बाय चांस तुक्के से ड्राइव मोड लग गया था, हम जाके सर्विस सेंटर पे गाड़ी छोड़ा है। तो हम वेट ही कर रहे हैं, उनका फोन आएगा, वो बताएंगे कि गाड़ी कब मिलेगी। तब तक हम लोग चलाएंगे आईसुजु, तो आईसुजु भी देख लो सामने ही खड़ी है। तो जैसे ही अब आती है गाड़ी आपको बताते हैं, बट फिलहाल मैं जे को लेने इस पे जा रही हूँ। दिल्ली में इतना ट्रैफिक है ना, मन ही नहीं कर रहा है गाड़ी खोलने का, बट कोई और ऑप्शन नहीं है। तो श्राई को लेकर चलते हैं और जे को लेने जाते हैं। सर तो यहाँ पे लेडी ऑली को मिल रहा है खाना और खा रहे हैं, आज ये खुशी से खा रहे हैं। डॉल तुमसे अलग तरीके से खाते हैं, जब संगीता रात को खिलाती है अलग तरीका हो जाता है बिल्कुल, तब तो भूखे रेहड़िया बन जाते हैं ये। एक डॉग पालना आसान है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है, तुम्हारी ही हिम्मत है वैसे। तो यहाँ पे सबको खाना मिल गया, क्लोडो बिल्कुल एंड में बैठी हुई है कि अभी मेरी बारी जब आएगी मैं तभी जाऊंगी। बब्जी को बहुत खुशी मिल रही है कि चलो तुमने अंडे तो हमारे बंद कर दिए नवरात्रों के कारण, तुम कल से हमें सिर्फ दही और चावल ही दिए जा रहे थे नाश्ते में, आज पनीर दे रहे हो, तो बब्जी खुश है। पर मैं देख रही हूँ बब्जी पनीर के टुकड़े छोड़ रहा है राहुल, क्या पता बाद में खा ले। हाँ खा ही लेगा मुझे लग रहा है। कौन? क्लोडो देखो, हाँ कितनी डिसिप्लिन हो गई, अपना वेट कर रही है, खाना खाएगी भी, कल भी नहीं खाया इसने रात को, इसकी तबीयत खराब थी। तो राहुल जब खाना खिलाते हैं तो बच्चे अलग तरीके से खाते हैं, जब संगीता खिलाती है तो बिल्कुल ही ऐसे अलग तरीके के भेड़िए बदतमीज हो जाते हैं ये। अब देखना चारों कितनी मजे से खाना खा रहे हैं, कितनी तमीज से। तो चलो गाइस मैं तो जा रही हूँ जे को लेने उसकी, क्योंकि ट्यूशन का टाइम खत्म हो गया, तो फिर वो नानी के साथ चिपक जाएगा और फिर उसको लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट जाती हूँ जे को लेकर आती हूँ।
तुम फिर बर्तन इस्तेमाल करने बैठ गए हो, तुम्हें मना किया ना मैंने, और कुछ नहीं। अरे हाथ तो गंदे है ना यार, ले जा भाई अपने घर का बर्तन ले जा, मैं तो लेके ही जा रही हूँ। मैं यहाँ पे देख लो बब्जी बैठा हुआ है छुप कर दूर से ना, राहुल ना वहाँ पे देखो, राहुल वहाँ से ना इसको आवाजें लगा रहे, बब्जी 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 आ जा, ये ना यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, राहुल छुप के बैठा हुआ है, इसको लग रहा है कि तुम ना इसे देख ही नहीं पाओगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे, आके बड़ी करके क्या देख रहा है, उठ जा आलसी, आलसी नहीं छुप के बैठा है वो, क्या घुरा है, चल चले कम ढीट हो रहा है, नहीं जाना उसको, छुप के बैठा था वो, यहाँ पे लेटी है तू, यहाँ पे ये पानी कैसे आया, बब्सी बब्सी, चलो कम, अब मान गया तुम्हें डरा रहा था पहले। गाइस शाम का टाइम है, सन्नी बच्चों को लेके पार्क में घूम रहा है, तो खेल रहे मजे से ये लोग, वो देखो सनी खिला रहे हैं स्पोर्ट्स के रैकेट से बॉल फेंचे, और यहाँ पर चमेली बैठी हुई है, अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योर हो चुकी है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बैठे है उसके साथ एक छोटा वाला बेबी उसका, ठीक है, तो इनकी माँ बच गई है, राहुल और दूसरे राहुल ने मिलकर बचा लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बच्चा बैठा हुआ है, और अभी पीछे एक और बच्चा है वो खा रहा है, क्योंकि इनका ना खाना आ गया है कम्युनिटी वालों की तरफ से जो आता है। भैया मेरे पास ना 15 किलो का एक कट्टा पड़ा है उसका, अच्छी वाली पेडिग्री का, दे दूँ आपको, कब आओगे लेने, आ जाओ आधे पौने घंटे के अंदर ये निपटा के, नहीं तो कल सुबह आ जाओ। तो गाइस मेरे पास ना एक कट्टा पड़ा हुआ है 15-20 किलो का, मैं सोचूं इनको दे दूँ, इनके काम आ जाएगा। तो गाइस मैं ये कह रही हूँ मेरे पास ना 15-20 किलो का एक केबल का कट्टा पड़ा है, तो बब्जी और लेडी वाली को पता नहीं उसका टेस्ट नहीं पसंद आया या क्या, वो नहीं खा रही, तो मैं सोच रही हूँ इनको दे दूँ, ये ना इनको डाल के रोज़ दे दिया करेंगे, इन लोगों का भी भला हो जाएगा, तो यही इंटेंशन है कि जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ का भला करो। घर आ गए मैं और जे गए थे सैलून हेयर वॉश कराने, शिवाय घर पे और दादी को बर्तन करा, मेरे नहाड़ा तक शिवाय ऊपर ऑफिस में भाग गया, भाग गया अपने आप आ जाएगा, अभी वेट करो, तो पकड़ के लाती हूँ इसको। हाँ नानी अभी आएगी थोड़ी देर में, तो यहाँ पे हमारा जेजू भी आया हुआ है, हाँ नानी अभी आ रही, राजे राजे आ रही है जी, अपने शूज यहाँ रखो, इधर आओ, चलो वो खड़े। आज बाहर निकले थे सैटरडे को रात को, और हम गए थे मूवी देखने, कौन सी, देवरा, देवरा, और मूवी तो बहुत ही ओके ओके सी लगी, वो मुझे समझ नहीं आया देवरा को वरा ने क्यों मारा, हाँ जैसे बाहुबली को कपट, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हाँ कटप्पा ने बाहुबली को मारा, तो वैसे ही देवरा ने अपने बेटे वरा को क्यों, नहीं वरा ने अपने पापा देवरा को क्यों मारा, तो पार्ट टू में मिलेगा इसका आंसर। तो बस मूवी देख ली, मैं तो सो गई थी पिक्चर में, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो नींद आ रही, और इतना इतना खींच रखा था मूवी को, इतना खींच रखा था, बेवजह की थी लंबी, तो बस जाते हैं घर सोते हैं, शिवाय भी खेल रहा होगा उसको सुलाते हैं, और करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार बनाए रखो, बाय बाय, बाय बाय बाय।